जब मूवी शुरू होती है और हम डोनी नाम की एक बच्चे को देखते हैं। वह स्कूल में अपने दो दोस्त के साथ लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन डोनी का कहना है कि उसे अब लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महिलाओं को वह ज्यादा पसंद करता है। तभी उनके टीचर वहाँ से जा रही होती है। वह तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और सारे लड़के उसे पसंद करते हैं और वह सारे लड़के की क्रश भी हैं। अब हम देखते हैं कि डोनी के पास दो मूवी टिकट है, तो वह सीधा टीचर के पास जाता है और उनसे मूवी में आने के लिए पूछता है। लेकिन टीचर करती है और वह उसे बताती है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। फिर भी डोनी उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। बाद में टीचर उसे डिटेंशन रूम में ले जाती है और वहाँ वह उसे सेड्यूस करती है। फिर वह उसे अपने ऑफिस ले जाती है जहाँ ये दोनों खपा खप करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों स्कूल के बाहर भी मिलते रहते हैं और खपा खप करते रहते हैं। तभी एक दिन स्कूल के सभागार में एक कार्यक्रम चल रहा होता है, तब अचानक बैकस्टेज से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उस स्क्रीन को हटाने पर देखते हैं कि डोनी अपनी टीचर के साथ खपा खप कर रहा होते हैं। जब ये सब लोग देख लेते हैं तब वह टीचर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हर कोई डोनी की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में अपने टीचर को ही पटा लिया था और उसके साथ खपा खप भी कर रहा था, इसलिए सभी छात्र मिलकर उनकी हौसला अफजाई करने लगते हैं। बाद में ये कांड कोर्ट में जाता है और तब पता चलता है कि उसकी टीचर अभी प्रेग्नेंट है और डोनी ने उसे प्रेग्नेंट किया है। लेकिन डोनी को कोई सजा नहीं मिलती क्योंकि वह नाबालिग है। अब टीचर को जेल में 30 साल की सजा सुनाई गई है और जब डोनी 18 साल का होगा तो उसे अपने बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी और उस टीचर को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोनी स्कैंडल के लिए काफी मशहूर हो जाता है और कई न्यूज चैनल्स ने उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। वह कई टीवी शोज में भी काम करना शुरू करता है जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होना भी शुरू होती है। अगले सीन में हम देखते हैं अब डोनी बड़ा हुआ है। अब वह 28 साल का है और वह डोनी अब शराबी बन गया है और डोनी ने जो पैसा कमाया था उसने सब कुछ खर्चा कर दिया था। ऊपर से उसने कई साल से टैक्स भी नहीं भरा था। उन्हें अगले हफ्ते कुल $43,000 का टैक्स चुकाना होगा, नहीं तो उन्हें जेल हो जाएगी। फिर उनके वकील उनसे पूछता है कि आपका बेटा अभी कहाँ है, शायद वह आपकी कुछ मदद कर सकता है। तब डोनी का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है क्योंकि वह समाज को ये नहीं बताना चाहता है कि वह एक टीचर और स्टूडेंट का बेटा है। वह शर्मिंदगी महसूस करता है और मुझसे कोई संबंध नहीं रखता है और वह मेरी मदद नहीं करेगा। तब उनके वकील ने उन्हें आइडिया देता है कि वो चाहते तो इस साल की मैराथन में द फैट बॉय पर दांव लगा सकते हैं और अगर द फैट बॉय जीतता है तो $20 लगाकर उसे $1,60,000 मिलेंगे जिससे वो अपना टैक्स भर सकता है। डोनी को आइडिया पसंद आया और उसने द फैट बॉय पर $20 लगा दिए। इसके अलावा डोनी कुछ और पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वह एक प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसके साथ उसने पहले काम किया था, लेकिन वह उसे काम देने से मना कर देता है क्योंकि डोनी पहले फेमस था लेकिन अब उसे कोई नहीं जानता। डोनी फिर भी रिक्वेस्ट करता है तो प्रोड्यूसर कहते हैं डोनी को अपने टीचर और बेटे के साथ रियूनाइट होना चाहिए, तब उन्हें टीवी पर दिखाया जाएगा। इसके बदले में डोनी को $50,000 मिलेंगे और डोनी भी सहमत होता है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू करता है। तब एक दिन वह क्लब में बैठे हुए थे, तभी उनको एक मैगजीन में अपने बेटे की फोटो दिखाई देती है। तब पता चलता है उसने अपना नाम टॉड में बदल दिया है और उसने सभी को बताया कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और अपने असली माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है और वह अगले हफ्ते शादी करने जा रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम जेमी है और जेमी की शादी टॉड के बॉस का घर में होगी, इसलिए वह रिश्तेदारों के साथ उनके घर चला जाता है। जब डोनी भी वहां पहुंचता है तो टॉड उसे देखकर चौंक जाता है। वह किसी को नहीं बताया कि डोनी उसका पिता है, वह सबको बताया है कि डोनी उसका पुराना दोस्त है। तो डोनी के आने पर टॉड को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे वहाँ से चला जाने के लिए कहता है लेकिन डोनी जाना नहीं चाहता है। उल्टे वह टॉड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलना चाहिए, वह बीमार है, लेकिन डोनी ने साफ मना कर देता है और वह अपने माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। लेकिन डोनी ने उसे टीवी शो के बारे में कुछ नहीं बताता है और फिर सबके साथ मस्ती करने लगता है। शुरुआत में डोनी सबको बहुत अजीब लगता है, धीरे धीरे हर कोई उन्हें पसंद करने लगते हैं और उसके साथ खूब इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन टॉड को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में जाता है। लेकिन डोनी को ये पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो सबको अपने फेवरेट क्लब में ले जाता है। यहाँ सभी खूब इंजॉय करते हैं।
और इन सब के साथ ही डोनी और टॉड के रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। टॉड ने डोनी को माफ कर करता है और टॉड अपनी माँ से भी मिलने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन डोनी उसे मना कर देता है क्योंकि अगर टॉड अपनी माँ से मिलने जाता है तो टीवी शो के निर्माता भी वहाँ पहुँच जाएंगे, जिसे देखकर टॉड को लगेगा कि डोनी ने पैसे के लिए ये सब किया है। बड़ी मुश्किल से उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। डोनी इसे फिर से खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी टॉड अगले दिन अपनी माँ से मिलने जाता है। जब इस बात का पता डोनी को चलता है तो वह भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तो प्रोड्यूसर अपनी टीम के साथ आ जाता है। तब टॉड को पता चलता है कि उसके पिता ने एक टीवी शो के लिए साइन किया है और इसलिए वो उस पर उसकी माँ से मिलने का दबाव बना रहे थे और गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। और इधर डोनी ने प्रोड्यूसर के साथ कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसलिए प्रोड्यूसर उसे पैसे भी नहीं देता। फिर डोनी पैकिंग शुरू करता है और वह जाने लगता है। तब डोनी ने टॉड की गर्लफ्रेंड जेमी के साथ फोन पर बात करते हुए सुनता है और डोनी को पता चलता है कि जेमी टॉड को धोखा दे रही है, उसका टॉड के बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। डोनी टॉड को ये बताता है, लेकिन जेमी उसे गलत साबित करती है और वह उसे बताती है कि वह टॉड को वेडिंग प्लानर के साथ सरप्राइज देने की योजना बना रही थी, इसलिए टॉड ने उस पर विश्वास करता है और डोनी को ये सब छोड़ने के लिए कहता है। बाद में डोनी वहां से निकल जाता है, लेकिन वह जेमी पर नजर रखता है। पार्टी के बाद डोनी जेमी का होटल के कमरे तक पीछा करता है, जहां जेमी और उनके भाई घपा घप कर रहे होते हैं। ये देखकर डोनी चौंक जाता है। फिर जेमी कहती है कि कभी कभी वह और उसका भाई ये सब करते रहते हैं और उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और टॉड को प्रमोशन भी उन्हीं की वजह से मिला है, इसके लिए उन्हें टॉड के बॉस के साथ भी घपा घप करना पड़ा था। लेकिन डोनी का कहना है कि वह ये सबको बताएगा। तब जेमी ने उसे $50,000 की पेशकश करती है अपना मुंह बंद रखने के लिए, और वह पैसा लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि वह पैसों के बदले अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता। उसे टॉड को सब कुछ बताना है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ टॉड की शादी में जाता है और जेमी और उसके भाई के बारे में सबके सामने बताता है। तब जेमी भी स्वीकार करती है और तो टॉड ने इस शादी को तोड़ देता है। वह सबके सामने डोनी को डैड बुलाता है और उन्हें गले लगाता है। फिर डोनी अपने दोस्तों और टॉड को क्लब में ले जाता है। तब टॉड डोनी से कहता है कि वह डोनी का टैक्स चुकाएगा, लेकिन डोनी मना कर देता है। तभी डोनी के वकील वहां आकर कहते हैं। मैराथन चालू हुआ है तो वह टीवी चालू कर देता है। द फैट बॉय जिस पर डोनी ने निवेश किया था वह लगभग एक जीत है। वो सभी लोग मिलकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अंत में द फैट बॉय जीतता है, डोनी भी $160,000 जीतता है और फिल्म यहाँ एंड होती है।